जाते हैं आगे। जनपद प्रयागराज में सीए और एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया था और उसके संबंध में लगातार हम लोगों की सेक्टर जनरल स्कीम बनाई गई थी जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्र थे वहाँ पर एडीएम स्तर के अधिकारी लगाए गए थे, एडिशनल्स भी लगाए गए थे और बाकी क्षेत्रों में सीओ एसडीएम की टीम गठित की गई थी और साथ साथ विभिन्न डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर तैनात किए गए थे। जो एनआरसी और सीए के लेकर के लोगों में अफवाह भ्रम की स्थिति थी उसके संबंध में खंडन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 5 लाख पर्चे छपाए गए हैं जिसके माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है और उसके जो प्रावधान है जिसके लोग अफवाहों के संबंध में समझ रहे थे उसको उस बिंदु को क्लियर किया गया है और इसको विभिन्न मुस्लिम समुदाय के जहाँ पे ज़्यादातर क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों में बांटा जा रहा है। इसके लिए हमारी तहसील की टीमें लगी हुई हैं, ब्लॉक की टीम लगी हुई है, कोटेदारों के माध्यम से बढ़वाया जा रहा है, हम लोग नगर निगम की टीम लगी हुई है, विभिन्न समाज सेवी संस्थाएँ हैं जैसे सिविल डिफेंस उनके माध्यम से बांटा जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों और इसके जो भ्रम अफवाह है उसे दूर रहें। लखनऊ में लगातार हम लोग मुस्लिम समुदाय के जो जागरूक हैं और प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे लोग हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनसे लगातार शहर काजी से बात भी हुई है, जामा मस्जिद के मतवली साहब से बात भी हुई है ताकि लोगों के जो वहाँ पर जब एकजुट लोग हों तो लोग अच्छा मैसेज में अपील कर सके शांति सौहार्द बना रखने के लिए। यद्यपि प्रयागराज में ऐसी कोई घटना या किसी कोई उपद्रव या कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई थी परंतु जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया उनको चिन्हित किया जाएगा और जो भी यथासंभव लीगल एक्शन होगा लिया जाएगा। ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है बट इसके लिए ज़्यादा पीछे होगा कि पुलिस विभाग इसका ज़्यादा पता पाएगा। ठीक।